प्रश्न किए, क्या कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या आर, किसी घन का किनारा, यदि इनके आयतन समान हो तो आर तथा ए के बीच हमें संबंध बताना है। चलिए हमारे पास क्या कह रहा है, गोले की, गोले का जो आयतन है ना, गोले का जो आयतन है वह बराबर है घन के आयतन के। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दोनों का आयतन समान है, तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 πr³, त्रिज्या है, और घन का आयतन क्या होगा, तो इसका किनारा a है तो हो जाएगा a का क्यूब। तो a को इधर लाते हैं, r³/a³ बराबर में हो जाएगा इधर 3/4 π, इसे मैं r/a का होल क्यूब लिख सकता हूं, बराबर में 3/4 π, यानी कि r/a बराबर आएगा 3/4 π का पावर 1/3, यहाँ क्यूब था वह पावर में जाकर 1/3 हो गया। तो यही ना हमारा r और a के बीच में संबंध है, यहाँ हो जाएगा 3 r/a बराबर है 3/4 π का होल पावर 1/3, समझ गए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और इस पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट पे जाइए और देखिए, इंजॉय करिए।